सर नमस्ते। प्रणाम सर। खुश रहिए खुश रहिए। आकाश एब्सेंट तुम रह रहे हो, अच्छा कुछ एग्जाम एग्जाम दे रहे हो क्या? सर एब्सेंट तो अब 2 दिन से, जब से आपने नहीं पढ़ा तभी से नहीं आया हूँ। मैं तो आ रहा था रेगुलर। प्रणाम सर। खुश है। पांडव पांडव अंजलि कुमारी सर, आवाज आ रही है? अंजलि कुमारी जी, प्रणाम सर। वीडियो ऑन करो। वीडियो सर ऑन करें। वीडियो होगा उसमें। म्यूट करवाइए, बहुत आवाज है। अंजलि अंजलि कुमारी जी है। नाम बहुत फेमस क्यों हो गया? सर वीडियो ऑन कर दिए। अंजलि नाम फेमस क्यों हुआ था? पांडा आप अपना म्यूट करिए। पहले मुझे भी नहीं पता सर। क्या बताए श्वेता, तुम बताओ ना। प्रणाम सर। सर क्या पूछ रहे? अंजलि नाम फेमस हो गया था अचानक पूरे इंडिया में। अंजलि प्रिया सिंह? यस सर। तुम बताओ तो। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी से। अंजलि नाम उसका था क्या? हाँ अंजलि। हमको याद नहीं है। प्रताप सिंह तुम सिनेमा देखती हो कि नहीं? यस सर। अंजलि नाम किस फिल्म में था? वही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे काजोल का दीदी। अंजू और कोई फिर दूसरा फिल्म था? और कोई फिल्म पर काजोल का ही दूसरे फिल्म में नाम था दीदी अंजू में, तो सर सिमरन था सर, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा सर। कुछ कुछ होता है मैं उसका। एक सुनील शेट्टी का सा डायलॉग था सर, उसके लिए फेमस हो गया। सुनील शेट्टी का एक डायलॉग था सर अंजलि करके, इसीलिए फेमस हो गया। नहीं भाई, कुछ कुछ होता में जो हीरोइन थी वो उसका अंजलि नाम था। हाँ सर कुछ कुछ होता है। सक्सेसफुल फिल्म थी लेकिन उसके पहले ही अंजलि का जन्म हो चुका होगा। तुम बताओ तुम्हारा नाम अंजलि कौन रखा है?
सर मम्मी रखी है। मम्मी रखी है जी। हाँ तो मम्मी से पूछना किसी से पेरेंट्स होके रखी। पहला क्वेश्चन पूछ देगा इंटरव्यू में तुमको नॉर्मल करने के लिए, यही सवाल पूछे ना। कुछ तो फैक्टर है, जैसे हमारे यहाँ चार पांच को श्वेता है, सब सेम एज ग्रुप की है, तो सातों का नाम श्वेता ही क्यों हुआ, सबका मदर फादर अलग अलग, कुछ फैक्टर ऐसा रहा होगा उस समय। हमको पता नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा था इस कारण से ऐसा हुआ। श्वेता हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एकाधिकार हो गया, लेकिन उसमें टेल कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे हुआ है, जैसे कंट्रोल ऑफ मोनोपोली। बीपीएससी के क्वेश्चन में मूल्य निर्धारण सब पढ़ के जाता है, लेकिन कंट्रोल कैसे किया जाए, समझे? बीपीएससी के बराबर क्वेश्चन में जो है छोड़ के रहेगा, दो ग्रुप तीन ग्रुप में रहता है। एकाधिकार पर नियंत्रण, क्रेता संघ की स्थापना। एकाधिकार का मतलब होता है कि एक मालिक है, एक विक्रेता है। एकाधिकार में एक विक्रेता रहता है, एकाधिकार में एक विक्रेता। एकाधिक्रेता संघ की स्थापना, एकाधिकार में एक विक्रेता रहता है जो मूल्य अधिक वसूलता है। अगर
कभी प्रेताओं का एक संघ स्थापित हो जाए तब यह एकाधिकारी वस्तु को कम खरीदने का संकल्प लेगा। तो कार्यकारी वस्तु की मांग अधिकारी वस्तु की मांग घट जाए इस दबाव में अधिकारी हटा सकता है। एक अधिकारी जो है एक क्रेता को एक अधिकार में एक विक्रेता रहता है और क्रेता हजारों है लाखों है लेकिन संगठित नहीं है। अगर संगठित हो जाएगा और कहेगा बायकॉट मोनोपोली प्रोडक्ट बहिष्कार करेगा, अरे जो प्रॉब्लम होगा लेकिन बहिष्कार कर देगा, महीना भर कोई नहीं खरीदेगा। एकाधिकारी का एकाधिकार का पावर रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता। अब देखिएगा रेलवे से बहुत आदमी नौकरी करने जाता है 5 स्टेशन 10 स्टेशन आगे, दूर दूर से पटना आता है, वो सब बनाया हुआ है पैसेंजर संघ, रेलवे पैसेंजर संघ। वो कहेगा कि टाइमिंग ऐसा रखिए कि हम लोग ऑफिस आने के पहले पहुंच जाए पटना और कहीं भी बीच में उसको डिले मत कीजिए क्योंकि हम लोग को नौकरी पकड़ना है और सब पास लिए रहता है, कोई बिना टिकट नहीं है, सब टिकट लिए हुआ है। तो वो सब मिल के स्ट्राइक कर देगा कि आप टाइम मत बदलिए, पटना अराइवल अगर 9 बजे है तो 9 बजे रखिए ताकि वहां से निकल के हम लोग ऑफिस चले जाए। इस तरह का दबाव आप डाल सकते हैं और कभी कभी दबाव डालने से सफल भी हुआ। जैसे ग्लैक्सो कंपनी है वो दूध बनाती थी, अभी अमूल दूध बना रहा है। हंगामा हुआ पूरा, ग्लैक्सो कंपनी जो है बिजनेस की
पापड़ी है और अमूल दूध जो है देसी कंपनी है, तो इसका लाभ हुआ कि पूरा क्रेता जो है ग्लैक्सो को बहिष्कार करो, ये नारा गांधी जी के जमाने में था कि इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा सबका बहिष्कार करो, लोग ले लेकर के सड़क पर उसको जला दिए। यहां से रुई ले जाता था, वहां से बना हुआ कपड़ा भेजता था, रुई ले जाता था एकदम सस्ता भाव में, कपड़ा भी भेजता था वो महंगा रहता था। वो कपड़ा विदेशी कपड़ा का बायकॉट किया गया, विदेशी कपड़ा का बायकॉट किया गया, तो देखिए आज असर हो गया कि हम लोग के देश में कपड़ा बनने लगा। तो सबसे पहला जो बिना झंझट का काम है वो है सब क्रेता मिल के एक संघ बना ले और एकाधिकारी मूल्य के खिलाफ में वो नारा लगाए। ऐसा करने से एकाधिकारी पर दबाव पड़ेगा और दाम को कम करेगा। हम लोग उतार लिए, यस सर। अंजलि लिख ली, यस सर। उसके बाद है दूसरा उपाय, कानूनी बाधा। अधिकार को दूर करने के लिए कानून बनाकर एकाधिकार फर्म को चार फर्मों में पाठ दिया जाए, चार फर्मों में बांट दिया जाए, ताकि आपस में प्रतियोगिता होने लगे। और मूल्य घट जाए।
तीसरा है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, रॉबिन्सन द्वारा स्थापित कर एवं सब्सिडी विधि। मान लीजिए कॉपी है, ₹10 का, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा स्थापित कर तथा सब्सिडी विधि। हमारी कॉपी है ₹10, कॉपी है लेखाधिकारी है, स्टूडेंट चाहता है ₹7 का कॉपी, स्टूडेंट चाहता है ₹7 में कॉपी, अधिकारी चाहता है ₹10, स्टूडेंट चाहता है, स्टूडेंट चाहता है ₹7 में, तो इसको सरकार जो है सब्सिडी देगी ₹3 में, घट के हो जाएगा ₹7। और बाद में सरकार कर लगा देगी ₹3। सब्सिडी लगा दी ₹3 सब्सिडी हो गया, घट गया, बाद में कर लगा दी ₹3, फिर दाम ₹10 हो गई। दस से 3 हो गया, 3 घट के 7 हो गया, और फिर बिक्री के बाद लगा दिया, तो सरकार कर लगा देगी ₹3 कर लगा देगी, और पहले सरकार ₹3 सब्सिडी देगी। बाद में सरकार कर लगा देगी और ₹3 बाद में सरकार कर लगा देगी और ₹3 एक अधिकारी से
उतार लिए जी सर।
तीन को बूंदा खींचना है, बराबर बराबर दूरी पर रहेगा। सर ये ब्लैक वाले दोनों कर्व भी पैरेलल हैं? है सर ब्लैक वाले दोनों कर्व पैरेलल हैं? हाँ पैरेलल है समानांतर। दोनों का डिस्टेंस जो है बराबर बराबर, दोनों का गैप बराबर हो। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट
निकली है जी सर। ये तो बन गया सब आदमी से। यस सर। यस सर। सर हाँ ये डायग्राम सर समझ नहीं आया, लेकिन डायग्राम ये जो सर अभी बनाया था आपने एसी एमसी एमसी के बराबर जो है प्राइस एमआर बराबर एमसी होता है ना। यस सर। ये यहाँ जो है दो गो बनाए घर क्यों बनाए, क्योंकि ये जो है आपको एवरेज कॉस्ट है, ये जो है मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा फिर यहीं से एक यहाँ लेंगे, ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है सब्सिडी देने का चीज है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सब्सिडी वाला ऊपर होगा, और ई जो है टैक्स वाला प्राइस है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट टैक्स होगा। तो घर को यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, ये जो एरिया होगा ये सब्सिडी का एरिया होगा जो दिया जाएगा, और फिर बिक्री हो जाने के बाद इस एरिया को और इस एरिया को मिला देंगे, ये हो जाएगा कर। कर का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक हो, सब्सिडी का यहाँ से यहाँ हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं एमसी है, यहाँ प्राइस बराबर है एमसी पी, यहाँ प्राइस बराबर है एमसी सब्सिडी। सब्सिडी लगने के कारण ही इतना एरिया गायब हो जाए, ये एरिया सब्सिडी का एरिया है, ये एरिया नीचे डाउन चला जाएगा क्योंकि पैसा सरकार दे दी हाल पर। और इसके बाद जब सामान बिक गया, साल के बाद जब टैक्स का बारी आएगा, तो सरकार जो है उतना ही चौड़ाई जो है लगाई हुई है यहाँ, ये कर के रूप में सब्सिडी का जो अमाउंट होगा वही अमाउंट हो जाएगा कर। ऐसे वो नहीं मानता, वैसे पहले टैक्स लगाने का बात करते तो 120 टैक्स लगाने से बढ़ जाएगा ना। यस सर। टैक्स लगाने पर दाम 100 से बढ़ के 120 हो जाएगा, तो पहले सब्सिडी लगाया गया दिया गया उसको, और सब्सिडी देने के बाद उसका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों नीचे डाउन हो, उतना ही डाउन हुआ जितना कि दिया गया। ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का दिया हुआ है, दोनों बराबर घर होगा, इधर का लकीर एक के वो खिंचाएगा। बनाए चित्र को बनाए कि नहीं? यस सर बना दिया है। हाँ बस वे एक अधिकारी बात मानेगा नहीं, तो अधिकारी पावर में है, तो पावर में है तो सरकार मजबूर है उसके सामने, तो सरकार के हम ही 20 रुपया तुमको देते हैं, तुम 100 रुपया से बंडल को घटा के 80 रुपया कर दे दिया,
कि सब्सिडी डिपार्टमेंट उसको पैसा दे दिया, और जब साल लगेगा तो इनकम टैक्स वाला आएगा, वो ये सारे चीज को देखते हुए उसके ऊपर 20 रुपया जो दिए हुआ है उसकी वापसी का कर लगाए, वह जो इनकम ट्रीट कर देगा। तो आपको दिए हम कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, स्टूडेंट के कल्याण के लिए दिया गया, और चूंकि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कितने पर बेचिए, इसलिए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती है कि पहले 20 रुपया दे दीजिए उसको, कितना भी बड़ा एकाधिकारी होगा सरकार किस बात को मान लेगा, और किताब जो है या कॉपी है जो भी आइटम है। अब कैसे अभी इंजेक्शन लग रहा है, क्या चीज का इंजेक्शन लग रहा है? कोविड कोविड बुढ़ापा दूर करने का, क्या बोल रहे हो? कोविड 19 का सर। कोविड 19 सर, इससे बुढ़ापा दूर हो जाएगा कि कोरोना दूर हो जाएगा? दोनों सर, कोरोना से बच जाएगा। पहले सरकार सोच रही थी पैसा लेना, दिल्ली में हम गए थे, हर आदमी 1200 800 400 600 दे के ले लिया, उसके दिमाग में ये था कि कहीं मान लीजिए घट जाएगा तो पैसे दे के पहले ले ले ताकि बच जाएगी। आदमी तो सबसे स्वार्थी आदमी है ना होता है। जी सर, दिल्ली में हम जब गए हुए थे तो जिस लोग से भी मिलते थे पूछते थे तो कोई 1200 बोलता था, कोई 800 बोलता था। 1200 वाला जो है खूब अच्छा हॉस्पिटल में गया, वहाँ एयर कंडीशन का हवा लिया और तब उसको सुइया दी। यहाँ जो है सो चल जाइए, वो कमरा में बैठा हुआ है लेके इंजेक्शन लगा दी, कहता है इकोनॉमी में सरकार का ये नीति है। इसे जॉन रॉबिन्सन जो है इसको किए और ये बताए कि वाई एक्सिस पर कर सब्सिडी है और मूल्य भी है, वही मूल्य है, और ये जो है आपको नियम है कि प्राइस किस बराबर होना चाहिए, बराबर प्राइस किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ भी है, ए बिंदु पर भी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, बी बिंदु पर भी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, सी बिंदु पर एवरेज कॉस्ट। तो इसी को कहा जाएगा सब्सिडी कर विधि, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का दिया हुआ, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की कर सब्सिडी विधि। समझे आकाश? यस सर। घर पर इसको तो एक दो बार सवादी चित्र को बनाइएगा। ओके सर, प्रणाम सर, थैंक यू सर, कंट्रोल का विधि जो है YouTube पर मेरे वाले पर डाले हुए हैं, तो एक डायग्राम और दिए हुए हैं जो आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। श्वेता okay. देखना ना YouTube में एकाधिकार पर नियंत्रण।
तब आपने डाउनलोड कर लीजिए उसको। यस सर, था सर, देखे उसमें एक चित्र जो है, हो सकता है उसमें एक और चित्र बताए हो, नहीं बताए तो अभी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।